जय मसीह की। पूरा बाइबल जो है वो इसराइल प्रजा के ऊपर लिखा गया है। आज भी इसराइल प्रजा इस धरती पर है, इसराइल देश इस धरती पर है। इसराइल को वर्ल्ड क्लॉक कहा जाता है, दुनिया की घड़ी, क्योंकि दुनिया में जो कुछ होने वाला होता है उसका कहीं ना कहीं रिश्ता वो इसराइल से मिलता है, क्योंकि इसराइल में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं बाइबल के परमेश्वर वो है। और सभी लोग ये बातें जानते हैं, क्योंकि पूरा बाइबल वो इसराइल से भरा हुआ है। इन पिछले दिनों में ऐसा हुआ कि ईरान जो देश है, वो ईरान देश के कुछ साइंटिस्ट लोग जो है वो परमाणु बम पर काम कर रहे थे, और अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान परमाणु बम बनाए। खतरा ये था कि हो सकता है लोग बम बनाकर कुछ गड़बड़ी करें, और इसराइल वो तो बरसों से इसका दुश्मन रह चुका है, और इसलिए वो भी नहीं चाहता था। और परमाणु बम पर जितने भी साइंटिस्ट लोग ईरान में काम कर रहे थे वो सारे साइंटिस्ट एक के बाद मार दिए गए। और अभी कुछ वक्त पहले उनका मेन साइंटिस्ट जो थे उनको मार दिए गए, और जब उनको मार दिए गए वो घटना बहुत ही ज़बरदस्त थी, क्योंकि ईरान को भी मालूम था कि इसको मारने का प्रयत्न किया जाएगा, इसलिए अपनी ओर से पूरी की पूरी सिक्योरिटी इस साइंटिस्ट को मिली थी। लेकिन एक बार कहीं से जाकर ये साइंटिस्ट वापस आ रहे थे, आगे पीछे पूरी तरह से सिक्योरिटी थी, और फिर भी रास्ते में ऐसा हुआ जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे, और उस वक्त वो साइंटिस्ट खुद वो अपनी कार चला रहे थे, साथ में उनकी पत्नी भी बैठी हुई थी। हुआ ऐसा कि उस रास्ते पर एक जगह पर बम आता था स्पीड ब्रेकर, और वहीं पर पास में एक ट्रक जो था वो खड़ा था, किसी को उसके ऊपर कोई शक नहीं गया, क्योंकि ईरान में वैसे ट्रक आमतौर पर मिलते हैं, घूमते रहते। लेकिन हुआ क्या, जब उस स्पीड ब्रेकर के पास कार आई तभी वो ट्रक जो है खुल गया, उसके अंदर एक ऑटोमेटिक गन थी, और ऑटोमेटिक गन मतलब उसको बोलते हैं रोबोटिक गन, उसका प्रोग्राम कुछ इस तरह से सेट किया गया था कि उस गन को यही बताया गया था कि तुझे सिर्फ इस साइंटिस्ट को ही मारना है, उसका चेहरा, उसकी आंखें, मालूम नहीं किस तरह से इस गन के अंदर सब कुछ सेट ऐसा किया था कि ये गन दुनिया में किसी को भी नहीं मारेगी, लेकिन अगर उसके सामने ये साइंटिस्ट आ जाए तो उससे ही वो मारेगी। तो हुआ ऐसा कि जब उस स्पीड ब्रेकर के पास कार आई, वहीं पर वो ट्रक था, ट्रक खुला और उसमें से ये जो रोबोटिक गन है, तो वो बनाने वाले जिन्होंने भेजा था वो इसराइल में तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर, वहाँ पर बैठे बैठे इस सारा नज़ारा देख सकते थे, और वहीं से ये गोली समझो कि ऑपरेट किया गया, ये गन ऑपरेट की गई और पहली गोली चलाई गई, और इतनी सफलता से पूरे निशानेबाज तरीके से कि साइड में साइंटिस्ट की पत्नी बैठी उसको खरोच तक नहीं आई, और जैसे ही गोली लगी वैसे स्पीड ब्रेकर के ऊपर वो कार आई, तो कार थोड़ी सी उछलती है, और एक गन भी कुछ ऐसी थी कि पहली गोली लगने के बाद वो गन भी थोड़ी ऊंचाई के ऊपर जाती है, और तभी ये कार जो है वो भी ऊंचाई के ऊपर गई, तभी दूसरी गोली, तभी तीसरी गोली लगी, और वो साइंटिस्ट खत्म हो गए। लोग कुछ समझ पाए
इतने में ही ऐसा हुआ वो ट्रक में ब्लास्ट हुआ और कोई भी सबूत नहीं बचा कि घटना किस तरह से हुई। ईरान वालों ने मीडिया में ऐसे जाहिर किया कि कुछ गुंडे लोग आए थे मोटरसाइकिल पर और उन्होंने इस साइंटिस्ट को मार दिया, जबकि बात यह थी कि इज़राइल की जो मोसाद है, जासूसी संस्था जो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर है, उन्होंने इसको मार दिया था। ये बात काफ़ी वक्त के बाद न्यूयॉर्क में जो अखबार आता है उस अखबार में ये बात प्रकट की गई और तब पूरी दुनिया को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। अभी देखो बिंदास से किसी देश में जाकर और फिर उसके साइंटिस्ट को मारना, ऐसा काम सिर्फ मोसादे कर सकता है, ये सभी लोग जानते। और देखो इज़राइल तो चारों ओर अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। ये घटना क्या कहना चाहती है? मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं तो परमेश्वर का दास हूँ और मैं तो बाइबल की बात बताना चाहता हूँ कि बाइबल में लिखा है कि आखिरी दिनों में जो एंटीक्राइस्ट आएगा वो इज़राइल के ऊपर अपना हक जगाएगा, वो अपने आप को मसीहा जाहिर करेगा और वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा। क्या ऐसा नहीं लगता इस घटना से कि अंत नज़ीक है? अगर इज़राइल ऐसा ही करता रहेगा तो बहुत जल्द, जिस तरह से प्रभु ने कहा था कि जब इज़राइल को चारों ओर फौजों से आप घेरा हुआ देखो तो समझ लेना मेरा आना बहुत निकट है, तो क्या ये घटना ये नहीं बता रही कि ऐसा ही कुछ होने को जा रहा है? मैं तो सिर्फ इस घटना से आपको ये बताना चाहता हूँ कि सही में हमारे पास वक्त नहीं है, एंड इज़ नियर, और इसलिए प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपका सच्चा बपतिस्मा नहीं हुआ तो बपतिस्मा ले लो, अपने पापों को धो लो, प्रभु से कहो उसे शुद्ध हो जाओ, पवित्र आत्मा पालो और परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी में बने रहो ताकि प्रभु यीशु आए ताप उठाए जाओ और आपको स्वर्ग मिले, क्योंकि नर्क कितना भयानक है उसमें जाने जैसा है नहीं। अंत पास में है, सारी योजनाओं को छोड़ो, अब सिर्फ एक योजना के ऊपर अपना ध्यान लगाओ कि मुझे परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।